वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अमित शाह आपका खर्चा आधा हो गया। आप लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। यूपी के सियासी मैदान में एक तरफ हिंदूवादी नेता अमित शाह, दूसरी तरफ हैदराबाद से आए ओवैसी, और इन दोनों के बयानों ने यूपी में सियासी तहलका मचा रखा है। यूपी में बेशक ठंड के मारे लोग कांप रहे हो, लेकिन इन दिनों नेताओं की बयानबाजियों ने राजनीति का पारा गर्म कर रखा है। हाल ही में अमित शाह ने निजाम को लेकर बड़ा बयान दिया था, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। अमित शाह ने इशारों में निजामों को नगरी से आने वाली ओवैसी पर हमला कर दिया। अमित शाह की तीखी जुबान का असर भी हुआ। कट्टरपंथी तो यहां पर चिल्ला ही रहे थे, ओवैसी साहब भी शायद परेशानी में आ गए। जनाब ने बिना देर किए हमला कर दिया और योगी राज का मतलब समझाने बैठ गए। योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है आर ए जे, होता है ना आर ए जे, तो आर से क्या आता है, रिश्वत। ऐसे क्या आता है, अपराध या फिर आतंक। और जैसे क्या आता है, जातिवाद। अमित शाह आपका कर्जा आधा हो गया। वही उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार का दौरा जारी है। इसी बीच एआईएम चीफ औसुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। आपने यहाँ पर वीडियो में सुना किस तरीके से यहाँ पर वो राज का मतलब बताने लगे, मतलब जिस तरीके से इनको तगड़ी मिर्च, कट्टरपंथी ने तो बवाल काट ही रखा था, वो चिल्लाते, लेकिन ओवैसी साहब को भी इतनी मिर्ची लगी कि वो बीच मैदान में कूद गए और फर्जी उरूल जुलून यहाँ पर बयानबाजियों का दौर था उस पर आकर अपना बयान देने लगे। आपको बता दें, उसी दिन ओवैसी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह यूपी की अपनी चुनावी रैलियों में लगातार अलग अलग टर्म के फुल फॉर्म अपने हिसाब से बताकर विरोधियों पर निशाना साधे, और ऐसा निशाना साध रहे कि विरोधी को मतलब इतनी मिर्ची लग जा रही है कि वो यहाँ पर वो भी फुल फॉर्म बताने लगे और उल्टे सीधे भाषण जरूर दे रहे हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।